अब इसका हम इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं, किसमें? डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन, डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस बोलते हैं इसे, जो हम डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन है, ये मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन, कैलकुलस, कैलकुलस कहा जाता है इसे। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन पहले ड्रॉ करते हैं हम, फर्स्ट इक्वेशन ड्राइव करते हैं। ठीक है, बाय द डेफिनेशन ऑफ एक्सिलरेशन, एक्सिलरेशन क्या है? एक्सिलरेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सिलरेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं मैं तो डीवी इक्वल्स एडीटी, डीवी इक्वल्स एडीटी। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना, जरा ध्यान से देखना। एक बॉडी है, यहां आप खड़े हुए हैं, हाथ में आपने मोबाइल की स्टॉपवॉच निकाल के खड़े हैं। एक कार पीछे से चलती हुई आती है, कितनी स्पीड से चल रही थी? यू स्पीड से चल रही थी। ठीक है, जब आपके सामने पहुंची तो कार पीछे चलती हुई आ रही थी यू स्पीड से। आपने देखा कि कार के अंदर एक आपका पुराना दोस्त बैठा हुआ है, जिससे जिसने आपसे 5 साल पहले 10,000 रुपए उधार लिए थे, कह के लिए थे कि यार मैं कल लौटा दूंगा तुझे। और आज कितना टाइम हो गया? 5 साल हो गए, इसका कल ही नहीं आया अभी तक। आपने ऐसा बात, इतने दिन हो गए मेरे पैसे, इसने देख लिया अबे यार ये तो आज तो पकड़ ले रहे हैं, इसने लेके एक्सीलेटर दबा दिया भागने के लिए। तो क्या हुआ? इसने एक एक्सेलरेशन जनरेट कर दिया, एक्सेलरेशन ले लिया इसने, एक्सीलेटर दबा दिया। देखते ही आपको जैसे आपने इस आवाज लगाई, ये रुक तो, इसने दबा गया ऐसे, ये रुक रहा है, 10,000 रुपए की बात है भैया। ठीक है, आप इसे देख रहे थे, जब आपने अपनी घड़ी में टाइम नोट करा, जब आपने टाइम नोट करा, जब आपका टाइम था घड़ी में 0:00, तब इसकी स्पीड थी यू, एक्सीलेटर दबाया इसने, यहां पहुंचा आपसे 100 मीटर 200 मीटर दूर पहुंच गया, तब जाके इसने एक्सीलेटर छोड़ा। यहां पहुंचकर इसकी जो स्पीड है चलने की वो बढ़ गई वी। टाइम आपकी घड़ी में, यहां टाइम था 0, सॉरी मैं इसको पूरा वर्ड ही लिखूं, यहां टाइम था 0 और यहां टाइम हो गया वी, सॉरी वी क्या लिख रहा हूं, टी। टाइम हो गया कितना? टी। ठीक है, और इस बीच इसने डिस्टेंस कवर कर ली कितनी? एस। जहां आपने देखा इसे आपके बराबर से गुजरा तो वहां वहां इसका डिस्टेंस था 0 और फिर डिस्टेंस बढ़कर कितना हो गया? एस। ध्यान से देखना, देखो एग्जाम्पल दे रहा हूं, बहुत आराम से समझना इसे, और इसे एक एग्जाम्पल को आप समझ लोगे तो आप इंटीग्रेशन बहुत आराम से यूज कर पाओगे कहीं भी। आप यहां खड़े थे, पीछे से देखा आपने कार आ रही थी, आपने टाइम 0 पर सेट कर रखी थी अपनी क्लॉक स्टॉप वॉच, आपने देखा कि इसकी स्पीड यू है। ठीक है, इसने एक्सीलरेटर दिया अपना, एक्सीलरेशन ले लिया गाड़ी के इंजन से, और फिर ये आपसे यहां चला गया। जब तक आपकी घड़ी में टाइम 0 से बढ़कर टी हुआ, जब तक आपकी घड़ी में टाइम 0 से बढ़कर टी हुआ, तब तक इसकी स्पीड यू से बढ़कर वी हो गई।
और डिस्टेंस इसका जीरो से बढ़कर एस हो गया। डिस्टेंस जो है इसका, डिस्टेंस जीरो से बढ़कर एस हो गया। देखो अब देखो क्या क्या चीज वेरी कर रही है। टाइम वेरी कर रहा है जीरो से लेकर टी तक, स्पीड वेरी कर रही है यू से लेकर वी तक, और डिस्टेंस वेरी कर रहा है जीरो से लेकर एस तक। समझ रहे हो? टाइम की लिमिट अगर लेनी पड़ेगी आपको तो टाइम की लिमिट्स क्या है, जीरो से टी। अगर आपको स्पीड की लिमिट लेनी पड़ेगी तो स्पीड की लिमिट कहां है, यू से वी। अगर आपको डिस्टेंस की लिमिट लेनी पड़ेगी तो डिस्टेंस की लिमिट क्या है, जीरो से एस तक। यहां तक किसी को प्रॉब्लम है, जरा बताओ मुझे, यहां तक किसी को प्रॉब्लम है? ठीक है। जब आपका टाइम बढ़ा जीरो से टी तो तभी वेलोसिटी बढ़ गई यू से वी, डिस्टेंस हो गया जीरो से एस। अब यहां देखना ध्यान से, वापस अपनी इक्वेशन पर आते हैं। दोस्त तो निकल गया बिना पैसे दिए, फिजिक्स पढ़ लो। अब डेफिनेशन ऑफ एक्सीलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। और बहुत छोटा सा डिफरेंस लेंगे तो हम उसे लिखेंगे डीवी, बहुत छोटा सा टाइम लेंगे तो हम उसे लिखेंगे टीटी। और मैथमेटिकली क्या है ये, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। क्रॉस मल्टीप्लाई करा मैंने, डीवी इक्वल्स ए डीटी। ओके, अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, सब कुछ तैयार है, बस इन्हें डीप फ्राई करने की देरी है और पकौड़े आपके रेडी खाने के लिए। देखो डीप फ्राई करते हैं, कैसे करते हैं डीप फ्राई, इंटीग्रेटिंग विद इन प्रॉपर लिमिट्स, इंटीग्रेट कर रहे हैं प्रॉपर लिमिट्स का। अब प्रॉपर का मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी में लिमिट्स वेलोसिटी की लेनी है, टाइम में लिमिट्स टाइम की लेनी है। तो इंटीग्रेशन वेलोसिटी की लिमिट्स कहां से कहां तक है, यू से वी तक है, इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन टाइम की लिमिट्स कहां है, जीरो से टी तक है। ठीक है जी। अब इसके बाद देखना जरा ध्यान से, फ्रॉम यू टू वी विद रेस्पेक्ट टू वी, अब किसका इंटीग्रेशन करें भाई, इंटीग्रेशन करें किसका, वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में करना है इंटीग्रेशन, यू से लेके वी तक इंटीग्रेशन करना है। लेकिन इंटीग्रेशन करने के लिए है क्या, किसका करें इंटीग्रेशन, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, एक्सीलरेशन नहीं बढ़ रहा, यहां से यहां तक एक्सीलरेशन नहीं चेंज हो रहा, वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो एक्सीलरेशन मैंने कॉन्स्टेंट बाहर निकाल लिया, इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू टी विद रेस्पेक्ट टू टी। फिर सवाल वही हुआ कि इंटीग्रेशन करे तो किसका करे भाई, यहां तो कुछ है ही नहीं इंटीग्रेशन करने के लिए, है यू टू वी, यहां कुछ भी नहीं है तो वन है, ए जीरो टू टी। देखो मैं बहुत बहुत प्यार के साथ खेल करके सिखा रहा हूं आपको, यहां भी क्या है वन, यहां भी क्या है वन, वन का इंटीग्रेशन डी विद रेस्पेक्ट टू वी, वन का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू टी। अब वन का कैसे करें भैया इंटीग्रेशन, तो कोई बात नहीं, इसका भी जुगाड़ हैगा। वन को आप क्या लिखोगे, वी टू दी पावर जीरो, इस वन को क्या लिखोगे, टाइम के रेस्पेक्ट में करना है, टी टू दी पावर जीरो। होता है नहीं, आपने मैथमेटिक्स में 10th क्लास में 9th क्लास में पढ़ा, किसी भी चीज की पावर जीरो लगा दो, किसी भी चीज की अगर पावर आपने जीरो लगा दी ना, ये जैसे x टू दी पावर जीरो वन, y टू दी पावर जीरो वन, t टू दी पावर जीरो वन, हाथी टू दी पावर जीरो जीरो नहीं, ये भी वन, ठीक है, चींटी टू दी पावर जीरो वन, पूरा का पूरा संसार, पूरा का पूरा संसार, पूरी की पूरी धरती टू दी पावर जीरो वन, कुछ भी हो पावर जीरो लग गई तो वन हो गया वो। तो यहां मैंने क्या करा, वन को लिख लिया वी टू दी पावर जीरो क्योंकि वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में करना था, इस वन को लिख लिया टी टू दी पावर जीरो क्योंकि टाइम के रेस्पेक्ट में करना है। तो अब क्या बना देखना ध्यान से, अब इंटीग्रेट कर दो, अब इंटीग्रेट कर दो, क्या कैसे इंटीग्रेट करोगे, पावर में वन एड कर देते हैं जो भी पावर है, और जो भी नई पावर आई इसे डिवाइड कर देते हैं,
यू से लेकर वी तक, ए टी टू दी पावर जीरो प्लस वन और जो नई पावर बनी उससे डिवाइड कर दिया, पूरा पूरा टोटल खेल कर रहा हूं मैं एकदम। और ये खेल बार बार नहीं होगा, ये खेल बार बार नहीं होगा, यहां से यहां करेंगे खट से स्टेप छोड़ते भी चलेंगे आगे चलकर। ये तो खेल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पहली बार है आपका, ठीक है जी। कहां से कहां तक, इसकी लिमिट्स क्या है, जीरो से डी। अच्छा, आप में से कई की मिस्टेक होती है, कई बच्चे मिस्टेक करते हैं अक्सर, यहाँ डी टी लगा देंगे, यहाँ डीवी लगा देंगे, यहाँ डी टी लगा देंगे, या इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे यहाँ। ओ भैया कर लिया इंटीग्रेशन, कर लिया, ये जो ये इंटीग्रेशन है, ये डीवी है, इसका मतलब है इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू वेलोसिटी, इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू वेलोसिटी। जब कर चुके तो इंटीग्रेशन का साइन क्यों लगाओगे, ये तो कह रहा था, ये आपसे कहा जा रहा है इंटीग्रेशन करो, इंटीग्रेशन करो। किसके रेस्पेक्ट में करें, वी के रेस्पेक्ट में कर दो। जब आपने कर दिया तो आप कहने वाला तो चुप हो जाएगा ना, अब आपसे कौन कहेगा इंटीग्रेशन करो जब आपने कर दिया। तो यहां ना साइन लगना है इस इंटीग्रेशन का, ना यहां डीवी लगना। बहुत कॉमन मिस्टेक है ये बच्चों की, बहुत कॉमन मिस्टेक है बच्चों की, और मुझे देख करके बहुत गुस्सा तभी आता है जब मेरे सिखाए हुए बताए हुए से उल्टा करते हो। जैसे बताया जा रहा है, जैसे सिखाया जा रहा है, अपना दिमाग ना लगा के वैसे सीखो, वैसे ही उसे यूज करो। हाँ जी, अब उसके बाद देखो भाई, ये तो हो गया वन, ये भी वन हो गया, तो वन पावर ना वन लिखी जाती पावर और ना अपॉन का वन लिखा जाता है, यू टू वी। ये ए, ये भी आपका ऊपर वन हो गया, नीचे भी वन हो गया, वन पावर लिखी नहीं जाती, अपॉन का वन नहीं लिखा जाता, जीरो से टी तक। अब सब्स्टिट्यूट कर दो, क्या कहा, एक बार जो भी आपका वेरिएबल है उसकी जगह अपर लिमिट लिख दो, फिर माइनस लगाओ, जो भी आपका वेरिएबल है उसकी जगह लोअर लिमिट लिख दो। अब यहां क्या हुआ, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना कि ये वाला वी कहां गया। अजी ये वाला वी तो आपने यहां लिख दिया, ये वाला वी यहां लिख दिया, ये कहां चला गया, ये वेरिएबल है, इसकी जगह वी सब्स्टिट्यूट। बाय द वे वेरिएबल और अपर लिमिट एक जैसी है, बाय द वे हमारा जो वेरिएबल है, ये देखो ना, ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, फिर मैंने क्या काम करा था, इस वेरिएबल की जगह अपर लिमिट रखी थी, एक्स की जगह टू रखा था ना पावर थ्री, फिर इस एक्स की जगह क्या रखा था माइनस वन पावर थ्री रखी थी, बीच में माइनस लगा दिया था। अब यहाँ क्या हुआ, यहाँ इत्तेफाक ऐसा पड़ गया कि वेरिएबल और अपर लिमिट दोनों एक सी है, तो इस वी की जगह अपर लिमिट रखी, इस वी की जगह लोअर लिमिट रखी, बीच में माइनस लगा दिया, ठीक है जी। अब उसके बाद क्या काम करा, ए ये वेरिएबल है, अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करी टी, लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करी जीरो, बीच में माइनस लगा दिया। अब क्या बना, वी माइनस यू इज इक्वल टू ए टी और वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन निकल कर आ गई आपकी, इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन के लिए देखो, सभी इक्वेशन के लिए माइंड में क्या बात रखनी है, जब टाइम जीरो से टी तक पहुंचा तब वेलोसिटी यू से वी तक पहुंच गई और डिस्टेंस जीरो से एस पहुंच गया, तीन वेरिएबल्स हैं यहाँ पे, ठीक है। अब सेकेंड इक्वेशन बहुत तेजी के साथ एकदम, सेकेंड इक्वेशन बचे हैं कुल आठ मिनट, आठ मिनट में दोनों इक्वेशन कर देनी है। सेकेंड इक्वेशन, ठीक है, बाय द डेफिनेशन ऑफ, बाय द डेफिनेशन ऑफ स्पीड या वेलोसिटी, वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, तो ये बना आपका ds इज इक्वल टू वी डी टी। और अभी 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 कुछ ही पल पहले आपने v प्रूव किया है u प्लस ए टी डी टी, ठीक है। अब उसके बाद वही कहानी, क्या इंटीग्रेटिंग विद इन प्रॉपर लिमिट्स, इंटीग्रेटिंग विद इन प्रॉपर लिमिट्स, इंटीग्रेट ds जीरो से s तक इज इक्वल टू इंटीग्रेशन u प्लस ए टी डी टी, टाइम के रेस्पेक्ट में करना है तो इन्हीं टाइम के रेस्पेक्ट में करना है तो लिमिट्स टाइम वाली ली जाएंगी जीरो से t तक का, ओके। अब ये क्या बना आपका, चलो एक एक छोटा सा स्टेप कर दूं, जीरो से s, s टू दी पावर जीरो ds,
और ये आपका बना, ये इसको दो पार्ट कर देता हूं मैं, जीरो से टी तक यू डी टी प्लस जीरो से टी तक ए टी डी टी, ठीक है, बस पार्ट कर लिए मैंने अलग अलग। अब देखना जरा ध्यान से, ये क्या बनेगा, ये बनेगा आपका एस, जीरो से लेकर एस तक का। अच्छा यू यू हम यू का इंटीग्रेशन नहीं कर सकते टी टी के रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में टाइम का इंटीग्रेशन कर सकते हैं, तो यू और ये इंटीग्रेशन आपका बन जाएगा कितना, छोटा सा खेल तो कर ही दूं, टी टू दी पावर जीरो डी टी, और यहां से आपने ए बाहर निकाल लिया, जीरो से टी, टी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम का टाइम के रेस्पेक्ट में, तो ये क्या बना यू, और ये बन गया आपका टी फ्रॉम जीरो टू टी, ये आपका बन गया ए, कहां से कहां तक, टी स्क्वायर फ्रॉम जीरो टू टी, याद रखना टी स्क्वायर, क्योंकि टी टू पावर वन थी, वन में वन ऐड करा टू हो गई पावर, और अपॉन में भी फिर टू लगाना पड़ेगा, ठीक है, यहां अपॉन में आपका वन आएगा, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो अब यहां की लिमिट्स देखना जरा, यहां तो एक बार एस रखा, एक बार लोअर लिमिट, एक बार अपर लिमिट, अपर लिमिट लोअर लिमिट के बीच में जीरो, यहां यू, अपर लिमिट टी, लोअर लिमिट जीरो, यहां ए बाय टू मैंने अलग निकाल लिया, अपर लिमिट टी स्क्वायर टी और लोअर लिमिट जीरो, ये रह गया एस, ये रह गया यू टी, ये रह गया कितना बोलो, हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि जीरो तो सारा खत्म हो जाएगा, ये आपकी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई। वही तरीका है, लेकिन इस बार क्योंकि ध्यान देखो, मैं भूल रहा था, भूल पड़ रही थी, मैंने आपसे पूछा क्या करनी, एस एस निकालना, तो डिस्प्लेसमेंट किसमें आएगा, डिस्प्लेसमेंट तो वेलोसिटी वाले फॉर्मूले में आ रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट मैंने वेलोसिटी लिया, एक्सेलरेशन की बजाय क्या लिया, वेलोसिटी ली, करते चले गए, v equals ds by dt, ds equals v dt, v हमने प्रूव कर लिया, v plus u plus at, इंटीग्रेट कर दिया, इधर डिस्टेंस है तो जीरो से s तक, इधर टाइम का इंटीग्रेशन है टाइम के रेस्पेक्ट में, तो जीरो से t तक, उसके बाद s to the power जीरो होता है यहाँ पर, s to the power वन upon वन, s जीरो हो गया, उसके बाद सारी वही कहानी, से क्या रिपीट करूं मैं, ये हो गया आपकी सेकंड इक्वेशन। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी कर लेते हैं फटाफट, चार मिनट बचे हुए, आराम से हो जाएगी। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में हम फिर एक्सेलरेशन लेकर चलेंगे। बाय द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, ए इक्वल्स डीवी बाय डीटी, ठीक है, थोड़ा सा चेंज है इसके अंदर, डीवी बाय डीटी, मैंने डीएस से मल्टीप्लाई और डीएस से डिवाइड कर दिया, कर सकते हैं आप किसी भी रेशियो में कर सकते हैं, जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हो उसे डिवाइड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब थोड़ा सा और चेंज करा मैंने, देखा था ध्यान से, देख रहा इस डीएस के अपॉन में डीटी ले लिया, डीएस बाय डीटी, और ये क्या बचा, डीवी बाय डीएस। अच्छा डीएस बाय डीटी क्या बन गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट खुद क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट खुद वी होता है, तो अब ये क्या बन गया देखना जरा ध्यान से, अब ये बन गया ए इक्वल्स वी डी वी बाय डी एस, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं फिर मैं इसको, ए डी एस इक्वल्स वी डी वी, ठीक, इंटीग्रेटिंग विद इन प्रॉपर लिमिट्स, प्रॉपर लिमिट्स, ये डिस्टेंस है इधर, यहां डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में करना है, तो इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू एस ए डी एस इक्वल्स, ये वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में करना है, तो वेलोसिटी कहां से कहां तक चेंज हो रही है, यू से वी तक चेंज हो रही है, वी डी वी, एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट है बाहर निकल कर आ गया, जीरो से एस, एस टू दी पावर जीरो डी एस, यहां वी वेरिएबल है, वेलोसिटी तो चेंज हो रही है, तो हम इसको बाहर नहीं निकाल सकते क्योंकि ये वेरिएबल है, वेरिएबल है, बदल रही है, वी डी वी, अगली बार में इंटीग्रेशन कर दीजिए, ए ये क्या बन गया आपका, एस बन गया जीरो से एस तक का, और ये क्या बन गया, ये आपका बन गया वी स्क्वायर बाय टू, कहां से कहां तक, यू से वी तक, पावर वन है इसकी, वन में वन ऐड करा टू आ गया, और टू से ही नई पावर से डिवाइड कर दिया, करेक्ट, उसके बाद क्या लिमिट सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, ए इसकी जगह एस रखा, फिर इसकी जगह जीरो रखा, दोनों के बीच में माइनस लगा दिया, वन बाय टू मैंने बाहर ले लिया, इसकी जगह ऊपर वाला वी रखा, वी स्क्वायर, फिर इसकी जगह यू रखा, यू स्क्वायर, दोनों के बीच में लगा दिया माइनस,
अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट और बीच में इनके माइनस, टू को मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दिया, बच गया ये टू एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इस यू स्क्वायर को दूसरी साइड ले जाइए, वी स्क्वायर इक्वल्स यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, थर्ड इक्वेशन आ गई। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, बशर्ते कि इसमें आपने जुगाड़बाजी ना लगाओ। एक्सेलेरेशन लिखा हमने डीवी बाई डी टी, ऊपर नीचे डीएस से मल्टीप्लाई कर दिया, डीएस डी टी बन गया पूरे, डीएस बाई डी टी बन गया हमारा वेलोसिटी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया एस एडीएस इक्वल्स वीडीएस, इंटीग्रेट कर दिया, इधर डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में है तो लिमिट्स मैंने डिस्टेंस वाली ली, इधर वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में है तो लिमिट वेलोसिटी वाली ले ली। उसके बाद सिंपल तरीका इंटीग्रेशन करने का, इक्वेशन आ गई वी स्क्वायर इक्वल्स यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, तीनों इक्वेशन ये आपकी सॉल्व हो गई। समझ गए? अब इसे ईमानदारी के साथ घर से खुद करके देखना, जब तक खुद नहीं करोगे तब तक सीख नहीं पाओगे। जो खुद करता रहेगा वो सीखता रहेगा, जो देखता रहेगा वो भूलता रहेगा, जो देखता रहेगा भूलता रहेगा, जो करता रहेगा वो सीखता रहेगा। ओके, अगली क्लास आपकी अब कल होगी, फ्यू सेकेंड्स बचे हैं, मैं इसे एंड कर रहा हूं। ओके?